हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द पैरामीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो हमारे पास क्या होता है, जो लेंथ होती है सेमी सर्कल की, है ना, या फिर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या होता है बच्चों, पाई आर के इक्वल होता है। आर यहाँ पर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कोई अगर हमारे पास सर्कल है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ये हमने एक सेक्टर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा। ये रेडियस क्या है, आर है, है ना, ये ओ है, इसको हम ले लेते हैं ए पी। तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, ये आएगा बच्चों आर इंटू थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके इक्वल होता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर एक पैरामीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यही वाला सेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक सेक्टर ले लिया, और इस सेक्टर की जो पैरामीटर है वो क्या है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का इक्वल है। तो इसकी अगर हम पैरामीटर निकालें तो ये तो दो तो क्या हो गए, रेडियस ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर पैरामीटर ऑफ सेक्टर को हम निकालें, पैरामीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आर प्लस आर, और ये ए बी की जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, आर थीटा के, ठीक है। और तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये किसके इक्वल बता रहा है, ये हाफ ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना है, पाई आर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टू प्लस थीटा इक्वल टू पाई, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, पाई माइनस टू। ये तो पाई माइनस टू हमारे पास किस में आया, रेडियन में। अब हमें इसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से, सॉरी 180 अपॉन पाई से। तो ये आएगा पाई माइनस टू, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 180 अपॉन पाई से, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई से 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई का, तो 180 बचेगा, और माइनस इससे करेंगे तो आएगा 2 इंटू 180 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, 3.14, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 65.350318। ये तो डिग्री में आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना, डिग्री में, क्लियर है। अब इसको डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 65 degrees 24 minutes and 30.4 seconds, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 65 वाला पार्ट तो हम ले लेंगे अलग से, फिर ये 350318 है इसमें, यहाँ पर इसको हमें मिनट में बदलना है। तो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60, है ना। तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर उसके बाद जो पॉइंट समथिंग वाला पार्ट है उसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड वाला पार्ट आएगा। तो ये इस तरह से हमारा डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।